नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो तस्वीर शेयर की है उसके साथ उन्होंने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। लेकिन ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि आगे की रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ये कहने की जरूरत नहीं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का चेहरा कौन होगा। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में एक बार फिर से मोदी योगी की जोड़ी सबके सामने होगी। ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 के मुख्यमंत्री के चेहरे को ही नहीं दिखाता बल्कि योगी और मोदी की केमिस्ट्री को भी बखूबी सामने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पर कितना है ये भी दर्शाता है। मोदी योगी की इस तस्वीर पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह यादव ने तंज कसते हुए लिखा कि तुमसे ना हो पाएगा, यूपी में तो अखिलेश ही आएगा। वहीं आपको बता दें, मोदी योगी की इस तस्वीर पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी तंज कसते हुए कहा कि आप निकल पड़े या निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा, ये तो भाजपा नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात आपने कर दिए हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी उच्चतम दर पर है, किसानों की समस्याएं उच्चतम दर पर हैं, किसान मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, महिला अपराध भी बढ़ता जा रहा है, तो जनता क्या फैसला लेगी, निकालने का ही फैसला लेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को वोट की चोट का देने का मन जनता पूरी तरह से बना चुकी है। तो ऐसे में ये तस्वीर आप भी देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चलिए, बीजेपी नेता संदीप दुबे हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी संदीप जी, जिस तरह से ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं, संदेश क्या देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी मूल्य और हमारे आदर्श इतने मजबूत हैं कि हम एक दूसरे के संरक्षण में, एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखते हैं। जैसे बार बार विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अवरोध पैदा कर रहा है, जिस तरह से परंपराओं का निर्वाह करने पर एक दोषारोपण कर रहा है, ये चित्र साफ साफ संदेश देता है कि मोदी जी का पूरा विश्वास यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी पे है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, परंपरागत जो काम हुआ है, वो काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और ये साफ साफ उत्तर प्रदेश के दर्शन का भी अनुभव है और इससे सुख प्राप्त होता है। ये चिंतन भी है कि एक दूसरे के हित की कैसे हम चिंता करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आज देश के अंदर सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या राजनीतिक चिंतन की आवश्यकता सबको है और उस चिंतन से ही जो है अहंकार दूर होगा, अंधकार दूर होगा और इससे आत्मगौरव की पहचान मिलती है, दृष्टि मिलता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसको समझने की जरूरत है और लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से दुनिया देखता है, विपक्ष भी अपने हिसाब से सोचता रहता है, तो विपक्ष वो कटुता भुला के, बैर भुला के वो अपने लिए लकीर खींचे, ना कि परस्पर विरोध या परस्पर घृणा पे आधारित राजनीति को जिस तरह से विपक्ष बल दे रहा है वो खासतौर से अच्छा नहीं होता। उत्तर प्रदेश अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुमसे ना हो पाएगा और 2022 में अखिलेश ही यूपी में आएंगे। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी इस तस्वीर को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है आप निकल नहीं पड़े, आपको निकाला जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के विपक्ष की जो सोच है परस्पर, उनको सोचना चाहिए। मैं पहले भी कहा कि घृणा पे आधारित किसी को नीचा दिखा के या बिना लक्ष्य के किसी की बुराई करके कुर्सी और सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है। विपक्ष
सपना देख रहा है, और सपना देखने का अधिकार तो सबको है, दीवा स्वप्न सबको आते हैं। इन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता पुनः मन बना चुकी है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और वो उत्तर प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जो उन्होंने काम उत्तर प्रदेश के लिए किया है उसकी जितनी सराहना की जाए, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, या इवन उत्तर प्रदेश में जितने रोडों का जाल बिछा है, जितने एयरपोर्ट, इन सबके क्षेत्र में जो काम हुआ है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को पुनः चुनेगी। विपक्ष का काम है, वो कुछ न कुछ तो कहते रहेंगे, उनको काम मिली। संदीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन जिन जगहों पर काम नहीं किया गया, जिन चीजों को लेकर काम नहीं किया गया, बीजेपी को उसके बारे में भी बात करनी चाहिए? बिल्कुल, हम उस विषय पे, हमारा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ है, और वो सभी विषय में जहाँ पे अछूता रह गया उसको पूर्ण करेंगे। जनता पे पूर्ण विश्वास है और जनता हम पे विश्वास कर रही है, उनके सपनों को पूरा करने में अब मुक्त रूप देंगे। समय खत्म होने वाला है, अब तो जनता के हाथ में फैसला है, अब पूरा करके आप क्या करेंगे? 5 साल में जो चीज पूरी नहीं की, अब कैसे 2 महीने में आप पूरा कर लेंगे? हमने जितने वादे किए थे, जितने सपने बुने थे, सबको हमने पूरा किया, धरातल पे उतारा है, और उसी का नतीजा है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी के साथ खड़ा है, उनके नेतृत्व में खड़ा है, उनके नेतृत्व में विश्वास है। और आप जिस विषय को लगता है विपक्ष को कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मैंने फिर कहा कि जनता को भी लगे कि ये होना चाहिए, वो सारे काम हम ही कर सकते हैं, हम पे जनता का विश्वास है, उस विश्वास में हम खड़ा उतरेंगे। जी ठीक है संदीप जी, अभी आपने कहा कि जो वादे आपने किए थे वो पूरे आपने किए हैं, आपने रोजगार जितना देने की बात की थी क्या आपने उतना रोजगार दिया है, आपने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात की थी कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, क्या आप तक बना पाए हैं? देखिए, दिल पे हाथ रख के सोचने की आवश्यकता है, अपराधी खौफ, अपराध करने के पहले वो 100 बार सोचने लगा है। आज पहले की तुलना में आज अपराध बहुत ज्यादा कम हुए, वो चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, महिलाओं के साथ जिस तरह के अपराध पूर्व की सरकारों में होती थी, या जिस तरह से माफियाओं का वर्चस्व था, पहले थाने में पहुंचने से पहले कंप्लेंट माफिया के पास पहुंचता था और थानेदार पूछता था क्या करना, आज थानेदार और प्रशासन बेहिचक होके फैसला कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी यशस्वी मुख्यमंत्री की अगर आप काम की तुलना करें कि उसने कितना अच्छा काम किया, तो उसको 2 आधार पर उसका मूल्यांकन हो सकता है। पहला, केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं राज्य सरकार को दी जाती है उसका पैसा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जितनी जनता कोई बताए कि योजनाओं के पैसे में किसी ने अगर लूट करी या कोशिश करी, ऐसा नहीं हुआ। जो केंद्र की सारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारी गई, वो जो आम गरीब आदमी का पैसा है उसके हाथों तक गया, उसके खातों तक गया, तो ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, जहां पहले योजनाओं के धन लूट लिए जाते थे। दूसरा सबसे बड़ा काम योगी जी ने किया कि उत्तर प्रदेश को दृष्टि दी, एक ऐसा दृष्टिकोण दिया कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के पटल पे लेके जाएंगे। हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, हमने रोडों के जाल को बुना, हमने जहाँ एयरपोर्ट देखिए की संख्या कितनी बढ़ गई, हमने देखिए मेडिकल हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई, हमने हर जिले को, जो जिला का मूल्यांकन करिए, हर जिले की एक विशेषता होती थी, कहीं पर कुछ उद्योग लगभग थे, उस क्षेत्र में हमने काम किया, एस्टेब्लिश किया। हमें उत्तर प्रदेश की जनता पे विश्वास है और हमें खुद यशस्वी मुख्यमंत्री के काम पे विश्वास है, जनता उनके काम को समझ रही है, वो पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है संदीप जी, ये सभी चीजें आपने की, जो आपने गिनवाई ये सभी चीजें की हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप लोग महंगाई पर क्यों नहीं बात करते हैं, आप लोग बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? नहीं, आप सही कह रही, महंगाई पे बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन महंगाई को कैसे खत्म किया जाए इस समस्या को लेके सरकार चिंतित रही है और महंगाई पे अभी नियंत्रण लगा है। कोविड जिस तरह से दोष रहा पूरे विश्व में, उसका असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी पड़ा और देश में भी असर पड़ा है, और इससे निपटने में सरकार सक्षम रही है। हमें तो सराहना करना चाहिए कि हमने विपरीत परिस्थिति में हिम्मत हम नहीं हारे, और हम सब लोग जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं या पूरे देश के लोग हैं, उन सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने कोविड का मुकाबला किया है, और भारत आज भी सीना तान के खड़ा है, उत्तर प्रदेश आज भी सीना तान के खड़ा है। हाँ, अव्यवस्थाएं हुई हैं, उस अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते, लेकिन जो जो प्रशासनिक स्तर पे गलतियां कहीं भी हुई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, एक बेहतर प्रशासन, बेहतर सुशासन देने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हाँ, कमियां जो होंगी उसको और सुधारेंगे, हम कोई वो तो है नहीं कि घमंड में चूर है, हमारे अंदर घमंड है, सरकार हमने चलाई है, नाक आंख कान सब खुले हुए, हमने दृष्टिगत सरकार चलाई है और उत्तर प्रदेश को एक जिम्मेदारी वहन किया उत्तर प्रदेश
की जनता ने जिस तरह जिस अनुरूप आशा के साथ सरकार चुनी थी उस आशा पे खड़े उतरने की पूरी हमने कोशिश करी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब हम दृष्टिकोण पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम भी जनता के बीच जनता से बात कर रहे हैं, संवाद हो रही है, उसके बाद ये निकल के आ रहा है कि विपक्ष इसीलिए हतोत्साहित है, परेशान है, घबराया हुआ है, उसको हमारी बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप देखिएगा, आप घर में हैं, घर में जो मालिक होता है ना, मुखिया होता है, उससे अच्छा कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसकी बुराई करके सोचेगा कि उसको गिरा दो और वो मुखिया बन जाए, तो ये नहीं हो सकता। अब देश की जनता बहुत समझ चुकी है, आपको अगर अच्छा करना होगा तो उससे बेहतर लकीर खींचनी होगी। और बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष को चाहिए कि हमें गाली न दे, हमारी बुराई न करे, हमसे बेहतर लकीर खींचने की कोशिश करे। तो विपक्ष को भी चाहिए कि योगी जी की बुराई करके वो सत्ता पे आ रहा है या आना चाहता है तो उसकी दीवार सपने पूरे नहीं होंगे, ये सोची उसकी गलत है। और भारत की राजनीति को आज सभी पार्टियों को मिलकर बेहतर दिशा देने की जरूरत है। हम सब लोग को आम जनता से जो सरोकार है उसी से सरकार चले, और जनता कितनी बीजेपी से खुश है तो 2022 में पता चल ही जाएगा। ज्यादा समय नहीं बचा है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से अब बीजेपी ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पूरी तरह से वापसी होगी। और एक बार फिर से आपको बता दें ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शेयर की गई है। चलिए, समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री हाजी अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी, मैं मोहम्मद अब्बास एडवोकेट बोल रहा हूँ। माफ कीजिएगा मोहम्मद अब्बास जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद मोहम्मद अब्बास जी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तस्वीर पर भी पलटवार करती नजर आ रही है और कह रही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, 2022 में अखिलेश ही वापस आएंगे। क्या इतना डर समाजवादी पार्टी को लग रहा है? समाजवादी पार्टी क्यों डरेगी? समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है, जनता की पार्टी है, सामाजिक समरोकार से जुड़े मुद्दों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कोई किसी मठ से उठ के तो आए नहीं, ये धूनी रवाए बैठे थे और धुआं उड़ा रहे थे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो धरती से आए, धरती पुत्र के पुत्र हैं। और जो योगी जी ने कंधे पर हाथ रखा है, क्या योगी जी के जो आदमी दिल्ली से संतोष जी आए थे 200 विधायकों के इस्तीफे भी तो वो लेके घूम रहे थे योगी जी के पास जब दिल्ली कलेक्ट किए गए थे? ये हाथ रखे सामने दरवाजा है, ये कंधे पर हाथ रखा हुआ है, सामने दरवाजा है, इसका प्रतीक है, जाइए, काम पूरा हो गया, निकल लो पतली गली से, ये इस बात का द्योतक है। और रही तो मेरे अभी साथी बोल रहे थे कि जनता के बीच में कोरोना में डटे क्या रहे, कोरोना कोई 25 माला बिल्डिंग बना के यहाँ बसना चाहता था? अरे एक समय था वो बीता, एक लहर थी जो चली, उस चलती हुई लहर में जो कोरोना में त्राहिमाम हाहाकार मचा, जिस तरह से कुत्ते बिल्लियों ने नोच नोच कर लाशों को खाई, जिस तरह से 25-25-30 हजार रुपए के सिलेंडर बिके, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अस्पतालों पे कब्जे करके बेड पर अपने समाजवादी पार्टी उन बेडों को ब्लैक में बेचा। आपके लोगों को भी तो काम करना चाहिए था उस समय पे, आप बीजेपी की सरकार पर पूरा आरोप लगा रहे हैं, आपको भी गरीब गुरबा करना चाहिए था। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए था? बजट रिलीज करते, जिम्मेदारी सुनिए ना, बजट रिलीज करते, अस्पतालों को निर्देश देते, प्रशासन को लगाते, सिलेंडर अवेलेबल कराते। हम जहाँ जनता के बीच में खड़े होते हम नहीं कर सकते थे, जनता के बीच में खड़े होते हम जनता के बीच में बैठ कर डायरेक्ट होकर निर्वाह कर रहे थे। शासन संसाधन सरकार के पास होते हैं और सरकार बेशर्मी से कहते वो करे, शर्म नहीं आती? हम धरती पर खड़े थे जनता के साथ थे, जो हमसे बन पड़ा अखिलेश यादव जी उनके सारे कार्यकर्ताओं ने वो किया, संसाधनों पर धूमी रमाए बैठे। कहीं तस्वीर तो सामने नहीं आई थी अखिलेश यादव की और ना अरे, कुछ दिखा तस्वीर? था कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया है? तस्वीर ऊपर से वो मीडिया चलाता है, उनकी चलाता है, वो फोटो सेशन कराते हैं, कौन सी तस्वीर आती गोदी मीडिया? तो फोटो सेशन की तस्वीर चलती, कंधे पे हाथ रख के टहल रहे हो? नहीं टहल नहीं, निकाले जा रहे हो। अब्बास जी आप ये क्या कह रहे हैं कि गोदी मीडिया? हम तस्वीरें हर किसी की दिखाते हैं, अगर आज अखिलेश यादव भी मैंने आपको कहा गोदी मीडिया का तो हम दिखाएंगे। आपने कैसे कह दिया मैंने आपको कहा? लेकिन ये भी तो सच्चाई गोदी मीडिया है,
मैंने आपको नहीं कहा, लेकिन ये तो सच्चाई है। नहीं तो आप उन्हें कहिए ना जिनके लिए आप बोल रहे हैं, वहां पर जाकर आप बोलिएगा, हमारे चैनल पर इस तरह के शब्दों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए देखिए, मैं शब्दों का इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी चैनल निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करे, जो भी चैनल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का दायित्व का निर्वाह नहीं करे, जो भी चैनल विपक्ष की बल्कि सवाल पूछने की जगह सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से सवाल करे, वो सारे जो विपक्ष से सवाल करता है, सवाल उनसे होता है जिनकी सरकारें होती हैं। विपक्ष से कोई सवाल नहीं होता, विपक्ष से सवाल सरकार से सवाल पूछने का दायित्व विपक्ष का होता है। अब्बास जी, सरकार से सवाल पूछने का दायित्व विपक्ष का होता है और उन सवालों को उठाने का दायित्व मीडिया को होता है। लेकिन जब मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करता, क्लियर कर दूं कि हमारे चैनल पर हम विपक्ष से भी सवाल करते हैं और सबसे पहले सरकार से ही सवाल करते हैं, फिर विपक्ष से करते हैं। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, सवाल होगा सिर्फ सवाल आपसे होता लोकतांत्रिक है। ये भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सारे काम करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, पैसा सरकारों को होता है, सारे अधिकारी सरकार के अंडर काम करते हैं, सारे आदेशों पर निर्भर सरकार का होता है। विपक्ष का काम है कि उस पर गंभीर निगाह रखकर उसके हर काम को उसको उंगली टोक करे कि ये सही करो ये सही करो, और पूरी भूमिका का अखिलेश यादव जी उनके कार्यकर्ताओं ने निर्वाह किया, मार मारे ये लूट करें ये। अब्बास जी, अगर बीजेपी ने इतना ही खराब काम किया है और आपको समाजवादी पार्टी पर इतना ही भरोसा है, तो फिर आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है? आप इस तरह के पलटवार क्यों कर रहे हैं? तस्वीरों को देखें, तस्वीर ही तो है महज एक, फिर क्यों आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? हम तो हर चीज पर नजर रखेंगे, जनता को नजरों के इशारे समझाएंगे कि 200 विधायक इस्तीफे लेके घूमने वाले संतोष जी जो मोदी जी के आदमी थे, वो अपमान भूल जाएंगे मोदी जी? जब इन्होंने आके दिखाए कहा कि मैं ही अकेला जिम्मेदार नहीं, गुनाहगार तुम भी हो, इस्तीफा तुम भी दो। जब इस्तीफा मांगा कोरोना के नाम पर तो ये कहा, तब दोनों डर गए। तब रूरा कुश्ती में फिर बनारस में खेल हुआ। सच्चाई ये है, आपका चैनल हो या कोई चैनल हो, योगी सरकार बहुत ही तरह से हताश है, निराश है, डर गए हैं। सर्वे ने डरा दिया है, वोटों ने डरा दिया है, सीटों ने डरा दिया है, इसलिए तीनों काले कृषि कानूनों के बिल वापस हुए हैं। लेकिन डर तो इस समय समाजवादी पार्टी में नजर आ रहा है अब्बास जी। कहां देखिए आपने डर? हम किससे छुप कर भाग गए? सड़कों पर हैं, रात रात भर जनता के बीच में सड़कों पर रात रात भर उत्तर प्रदेश की ज्ञानी जनता, गयूर और खुददार जनता रात रात कर सुबह 4 बजे तक सड़कों पर खड़े होकर लाखों की तादाद में अखिलेश जी का स्वागत कर रही है। देखिए आपने अभी कल की रैली हुई जहाँ प्रधानमंत्री गए, चारों तरफ कुर्सियां खाली कर पड़ी हुई थी, अगर ना हो तो मैं आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ। आदमी सुनने को तैयार नहीं, सारे अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी काम छुड़वा कर रैलियों में भेजा जा रहा है। जनता है इनके साथ? जनता के बीच के हैं ये? अरे दिखाओ कितना चैनलों पर लोग दिखाएंगे ने, कितना फर्जी वाला करेंगे। 100 करोड़ टीका, 500 करोड़ टीका, कोरोना में डटे रहे, कोरोना को बसना नहीं था जो उसे वापस खींच के लगाया, कोरोना को तो सब आया और चला गया। लेकिन उस आने और जाने में जितने लोगों की कुर्बानी, इनके बेवकूफी पर, उनके नाकारा निकम्मे पन से लोगों की जाने गई है, उन सब का इन्हें हिसाब देना होगा। अब्बास जी, अगर आप बीजेपी की बेवकूफी बता रहे हैं तो अखिलेश यादव को ही आगे आ जाना चाहिए था। क्यों वो भ्रम फैला रहे थे फिर वैक्सीन को लेकर? क्यों वो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन मैं तो नहीं लगवाऊंगा? कहां आ जाना चाहिए था जी? अस्पतालों में वैक्सीन हम लगाते। वैक्सीन किसके पास थी? नहीं, लोगों को जागरूक करने का काम तो आप कर सकते थे, आप नहीं लगाते, लेकिन लोगों को जागरूक करने का तो आप काम कर सकते थे। जागरूक करने का काम मीडिया का होता है। आपने अपने दायित्वों का निर्वाह किया? कितनी बार दिखाया कि कबूतर चीड़ और कुत्ते लाश नोचों से उठा रहे थे, गंगा जमुना के तट भर गए थे लाशों से, और तटों पर तमाम लाशों के वो झंडे लगे हुए थे, उन्हें जबरदस्ती नोच के फेंकने का काम किया गया। और तो और कफन चोरी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा जनपद बागपत में की, और उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की लिखी वो चिट्ठी जो सार्वजनिक हो, जिसमें कहा गया कि हमारे पार्टी के नेता है, पुलिस इन्हें तंग ना करे। कफन चोरों का गैंग बरामद हुआ भाजपा का, कफन भी चोरी कर दिए लाशों पर से, और उनको बचाने का काम भी बीजेपी वाले कर रहे हैं। समय बदलाव निश्चित है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, बड़ा चैनल है, आपके लोग जनता सुनते हैं, बदलाव निश्चित है।
जो बदले नहीं जाएंगे वो हटा दिए जाएंगे। अब्बास जी, अब्बास जी ठीक है, 2022 में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बदलाव होगा या क्या कुछ होगा ये तो वक्त बता देगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर जो शेयर की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, उस पर सियासत अब शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि 2022 में हमारी सरकार वापसी करेगी। और ऐसे में वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि 2022 में बदलाव होगा और उनकी फिर से एक बार वापस सरकार बनेगी, क्योंकि जो काम बीजेपी की तरफ से नहीं किए गए, बीजेपी ने जनता को जितना परेशान किया, हम जनता के लिए उतना ही काम करेंगे। ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन 2022 में बदलाव होगा या बीजेपी की वापसी होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।